हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया, तो फेसबुक ग्रुप भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लालीगा 2020 खिताब जीता है? तो अभी रियल मैड्रिड ने बिलारियल को हरा कर 2020 का लालीगा खिताब जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और अगर लालीगा से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले लालीगा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। और लालीगा के इतिहास में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी लियोनेल मैसी हैं। कौन है? लियोनेल मैसी हैं। तो ये थे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो अभी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात होती है सूरीनाम की, तो मैप में देखते हैं सूरीनाम को। यह है मैप में सूरीनाम जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यह है सूरीनाम। ये साउथ अमेरिका में स्थित है और सूरीनाम की कैपिटल पैरामारिगो है। और सूरीनाम की करेंसी सूरीनामी डॉलर है। क्या है? सूरीनामी डॉलर है। और सूरीनाम के प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डकार युवा ओलंपिक को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 में डकार युवा ओलंपिक होने वाला था और COVID-19 के कारण उसे स्थगित कर दिया है 2026 तक के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो डकार युवा ओलंपिक है ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक होगा। अब बात आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर लॉजेंस में है। और लॉजेंस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष थॉमस वक हैं। कौन है? थॉमस वक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसे मनाया क्यों जाता है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने के लिए और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोज़गार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों को रोज़गार के लिए SAP इंडिया के साथ साझेदारी की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रोशनी नादर मल्होत्रा को HCL टेक्नोलॉजीज का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो देवेंद्र कुमार सिंह ये CDBI के नए डायरेक्टर बने थे और विनी महाजन ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। अब बात आती है यहाँ पे HCL की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। क्या होती है? हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर नोएडा में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO सी विजय कुमार हैं। कौन है? सी विजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो अभी हैदराबाद एयरपोर्ट पर संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हैदराबाद एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हैदराबाद में है। और दिल्ली एयरपोर्ट, इसका नाम क्या है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। बेंगलुरु में है कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बात आती है अब आंध्र प्रदेश की, तो मैप में देखते हैं आंध्र प्रदेश को। यह है मैप में आंध्र प्रदेश, जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी है, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें, तो आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू किया था, और कोविड फार्मा ऐप और निगाह ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो अभी आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और ये कोरोना वायरस की अब तक की सबसे सस्ती टेस्ट किट है, और इसे आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है, और इसे आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बने, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अच्छा, ये इन्हें उपाधि दी क्यों गई है? तो उन्हें यह उपाधि बाल गरीबों के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किसे चुना गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसेद, डेपो आलर नियोमी और स्वेटलाना प्रोकोपेवा, इन चारों लोगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।